प्रेम से बोलिए कर्मा गोसाई की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कर्मा व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ, भाई और बहन का कथा। देखिए भाई अपने बहन के लिए क्या करते हैं और बहन क्या करती है, इस कथा को सुनकर और जानिए। जय कर्मा गोसाई। एक गांव में एक साहूकार थे। साहूकार का एक बेटा और एक बेटी थी। साहूकार का बेटा और बेटी प्रतिदिन झगड़ा करते थे। बिना झगड़ा किए हुए एक दिन दोनों में नहीं रहते थे। बेटी जो थी बड़ी थी और बेटा जो था छोटा था। साहूकार का बेटा और साहूकार का बेटी प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। साहूकारिन जो थी दोनों का झगड़ा से तंग आ जाती थी, भूखती थी, चिल्लाती थी, लेकिन भाई बहन का झगड़ा रुकता नहीं था। साहूकारिन गुस्से में आकर कभी डंडे से, कभी बेलन से, कभी कलछुल से अपने बेटा और बेटी को मारने को लिए दौड़ती थी, लेकिन फिर भी भाई बहन का झगड़ा नहीं छूटता था। धीरे 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 समय बीतता गया। साहूकार का बेटा और बेटी दोनों बड़ा हो गए। जब बड़ा हो गए तो साहूकार का बेटी जो थी बड़ी थी, विवाह योग्य हो गई। साहूकार अपने बेटे बेटी का विवाह कर दिए और वो बेचारी ससुराल चली गई। जब ससुराल चली गई तो साहूकार का बेटा है वो कहता है कि माँ, दीदी का ससुराल गए हुए 3 महीना हो गया है। माँ, हम दीदी के ससुराल जाएंगे। माँ, उसके ससुराल जाने के लिए मुझे एक सुंदर सा साड़ी ला दो, उनको लिए लेकर जाएंगे। और 16 सिंगार ला दो माँ, कर्मा व्रत आ गया है। माँ, जो मेरी दीदी है ओ पूजा क्या है अपने ससुराल की चुंदरी पहनकर करेगी, हम उसके लिए चुंदरी लेकर जाएंगे। साहूकारिन जो थी बोली कि ठीक है बेटा, तुम्हारे बहन के लिए सुंदर सा साड़ी ला देंगे, 16 सिंगार ला देंगे, पूजन का सामग्री सब कुछ ला देंगे, फल फलहरियाँ सब कुछ ला देंगे। साहूकारिन बड़े प्रेम से सब कुछ सजा दी अपनी बेटी के लिए और अपने बेटा को दे दी। बेटा जो था लेकर बड़े प्रेम से घर से निकल गया। चलते 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 रास्ता में एक बहुत बड़ा विषैला सर्प मिला। सर्प कहता है कि भाई, हम तुम्हें डांसेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। बेचारा भाई बोला कि अरे भाई, तुम मुझे डांस लेना, लेकिन आज नहीं कल। आज कैसे डांसोगे, कल का दिन मेरा बहन उपवास रहेगी और बहन के घर से जब लौटेंगे तब मुझे डांसना। तो अभी हम बहन के घर जा रहे हैं, मेरा बहन जो है आज नहाई खाई की है और कल कर्मा व्रत करेगी, उपवास रहेगी, तो हमारी बहन क्या पहनेगी, उसके लिए हम साड़ी लेकर जा रहे हैं, सिंगार लेकर जा रहे हैं और उसके लिए पूजा का सामग्री लेकर जा रहे हैं, और उसको पूजन के पहले यदि तुम मुझे डांस लोगे तो हम मर जाएंगे, और कोई भी बहन अपने भाई के लिए कर्मा व्रत नहीं करेगी। सर्प बोला तो ठीक है, आगे बढ़ जाओ, तुम्हारा हम इंतजार करेंगे। आगे बढ़ने पर एक शेर गरजता हुआ आया, और शेर गरजता हुआ आया पूरा हकर रहा है। इसको बोला कि अरे रुक जाओ, हम तुम्हें आज निगल जाएंगे, खा जाएंगे। शेर को ये बेचारा साहूकार का बेटा बोला, ए भैया शेर महाराज, तू मुझे खा जाना
लेकिन आज नहीं, आज हम बहन के घर जा रहे हैं बहन के लिए चुंदरी लेकर। और यदि आज तुम मुझे खा जाओगे तो कोई भी बहन अपने भाई के लिए व्रत नहीं रखेगी, इसीलिए हमें जाने दो। भाई जो था साहूकार का बेटा आगे बढ़ गया, शेर हट गया और बोला कि यहीं पर इंतजार करेंगे। आगे बढ़ जाने पर एक नदी था, नदी में तूफान लहरा, बाढ़ आने लगा। और साहूकार को बेटा के बोला कि हम तुम्हें दहा लेंगे और इसी नदी में हम तुम्हें सती कर लेंगे। तो बेचारा साहूकार का बेटा बोला कि हे गंगा माता, अपना लहरा शांत कर लो, हम अपने बहन के घर चुंदर लेकर जा रहे हैं। यदि आज हम इस नदी में दह जाएंगे और मर जाएंगे तो कोई भी बहन अपने भाई के लिए व्रत नहीं रखेगी, इसीलिए हमें जाने दो, जब लौटेंगे तब तुम मुझे दहा लेना। अब वहां से भाई चल दिया। चलते 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 अपना बहन के घर पहुंच गया। और जब बहन के घर पहुंच गया तो बहन देखी अपने भाई को तो बड़ी खुशी से उछल पड़ी और भाई के बैठने के लिए सुंदर सा बिछावन लगाई, एक लोटे में पानी और एक थाल लेकर अपने भाई को पांव पखारी, भाई के भोजन नाश्ते दी, अपने माता पिता के कुशल पूछी। भाई ने हंस हंस के अपने बहन से बातें किया, लेकिन भाई को मन में तो चल रहा था कि आज भर अपना बहन से बात कर लेते हैं, लेकिन कल का दिन तो हम बचे हैं कि नहीं। रात्रि में बहन बोली, भैया खाना खा लो। मन के उदासी के कारण थोड़ी सी भोजन किया भाई और रात्रि में बिस्तर पे सो गया। बहन से बोला कि दीदी हम सुबह सुबह चल जाएंगे। बहन बोली, भैया क्या तुम कल रुकोगे नहीं? नहीं, हम कल का दिन नहीं रुकेंगे। भैया कल तो हम एकादशी व्रत कर्मा व्रत करेंगे भैया, तो क्या तुम मेरे घर नहीं रुकोगे? अरे तुम्हें पता नहीं, मेरा घर मेरा ब्याह है। अच्छा ऐसा बात, तो हाँ ठीक है। बहन ने क्या किया कि थोड़ी सी बेचारी चावल पीसी रात्रि के समय में, और चावल पीसते पीसते उसका चक्की में जो था एक सर्प बैठा हुआ था, बेचारी नहीं देखी और सर्प गुना पिसा गया इसका, आटे में आ गया। और बेचारी अंधियाले में कढ़ाई में भून कर और घी में लड्डू बना के अपने भाई को रास्ते का खाना दे दी। सवेरा हुआ, भाई निकल दिया रास्ते में चलने लगा रास्ते का खाना लेकर। अब बहन जो थी, बहन अपने काम में व्यस्त थी, बेचारी घर में रसोई बनाने लगी, घर के कार्य करने लगी, तो पूरे व्यस्त थी। और व्यस्त होने के कारण वो देख नहीं पाई कि हम कैसा लड्डू बनाए हैं। जब नहीं देख पाई तो उसका छोटे छोटे घर में बच्चे थे, वो कहते हैं कि भाभी मैं लड्डू खाऊं। अरे खा लो लड्डू। भाभी लड्डू तो लगता है कि खून से रंगा हुआ है, देखो। उसका सास का छोटे छोटे बच्चे थे, देखती है तो बेचारी उसका धड़कन तेजी हो गया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है।
बच्चा ली हुई थी, बच्चा को फेंक दी और फेंक कर कहती है कि रात में जो हम सपने देखे वो सच होने वाला है। हे भगवान, हे कर्मा गोसाई, मेरे भाई को रक्षा करना, मेरे भाई को बचा लो। यदि मेरा भाई मर जाएगा तो हम इस दुनिया संसार में मुंह नहीं दिखाएंगे अपना, हम भी प्राण त्याग देंगे। और अपना बक्सा से एक नए चुंदरी निकाली और 16 सिंगार निकाली। दरवाजे पे उसका एक खसी था, खसी ले ली और गाय का दूध ले ली एक डब्बे में और वहां से दौड़ने लगी। दौड़ते 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 भाई एक ब्रिज के छांव में बैठा हुआ था और लड्डू निकाल रहा था भोजन के लिए। भाई के पास आया, भाई बोला कि अरे अब क्या लेने आ रही हो, हम तो अपना घर जा रहे हैं, तू मेरे पास क्यों आ रही हो? अरे भैया कुछ नहीं, बस लड्डू खा लिया। नहीं, लड्डू में तो 20 भरा हुआ है भैया, उस लड्डू को फेंक दो, लड्डू का फेंक दो भैया। भाई ने लड्डू को फेंक दिया, बोला बहन ठीक है अभी लौट जाओ हम जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है। बहन बोली भैया आपके लिए हम पानी लेकर आते हैं, देखो तालाब में पानी है। तालाब में पानी लाने गई बहन तो तालाब में से आवाज आता है कि अरे एक काल से बचा लिया अपने भाई को, कितना काल से तू बचाएगी, आज इसका मृत्यु तय है। बहन बोली कि यदि हम सच में अपने माता के ओद्र से, एक ही ओद्र से भाई बहन होंगे तो अपने बहन के फर्ज निभाएंगे और भाई को रक्षा करेंगे अपना प्राण देकर, और अपने भाई का प्राण को रक्षा कर लेंगे। वो जल में से आवाज निकलता है कि तुम्हारा पुत्र कैसे रहेगा। बेचारी कहती है कि अपने भाई के सामने अपना पुत्र को त्याग कर देंगे, लेकिन अपना भाई को हम नहीं छोड़ेंगे। अब वहां से पानी नहीं लेकर आई, भाई को बोली कि भैया चलो मेरे साथ, भैया हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, भैया हम भी चलेंगे। बहन जो थी अपने भाई के साथ धर ली। सबसे पहले नदी मिला तो गंगा माई के चुंदर चढ़ा दी, 16 सिंगार चढ़ा दी। गंगा माता चुंदरी में लिपट गए, 16 सिंगार में सजने लगे, जब तक भाई बहन दोनों पार हो गए। गंगा माता लुभा गए अपना चुंदरी देखकर और 16 सिंगार देखकर। भाई बहन दोनों पार हो गए तो गंगा माता कहते हैं कि अरे तुम तो पार को हो गया। बेचारी बहन कहती है कि गंगा माता आज भादो मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन है, कर्मा के दिन है, आज कोई भी बहन अपने भाई पर आंच नहीं आने देगा, भला हम कैसे अपने भाई को आंच आने देंगे आगे बढ़ने पर। बहुत बड़ा शेर ग्रस्ता हुआ आया और ये जो बहन थी झट से जो खसी हाथ में था खसी शेर के तरफ फेंक दिया और खसी में लुभा गया शेर और भाई और बहन निकल गया। जब भाई और बहन निकल गए दोनों तो आगे बढ़ने पर, चलते चलते आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ा विषैला अजगर नाग गरजते आ रहा है, गरजते आ रहा है। तो जो बहन थी कटोरी में दूध ली हुई थी वो कटोरी दूध रख दी, धान का लवा रख दी और नाग जो थे दूध में लुभा गए, धान का लवा में लुभा गए और बहन अपने भाई को लेकर चल दी। चलते 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 अपना मायका पहुंच गई। जब मायका पहुंची तो माँ देखी तो कहती है कि बेटी तुम्हें मन नहीं लगा लड़ाई झगड़ा के बिना,
दोनों आ गए हो, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे लिए बरसों से बेचैन था कि मेरा दीदी मेरे घर नहीं आया है, मेरे घर नहीं आया है। चलो अच्छा है आ गई हो। कहती है माँ हम आ तो गेवे किए हैं, लेकिन भादो महीना में कोई शुभ दिन नहीं होता है माँ, जो मेरे भाई की तुम शादी कर रही हो। इस महीना में तो भूल कर भी बाल बच्चा को ब्याह नहीं करना चाहिए, और तुम इस भादो महीना में ब्याह कर रही हो अपने बेटा को। माँ कहती है कि बेटी तू ज्यादा बड़ी हो गई हो, बड़ी बुद्धिमान हो, मुझसे ज्यादा जानने लगी हो, हम यही महीना में बेटा के ब्याह करेंगे। बान जो थी कहती है कि ठीक है। जब भाई के तिलक आया गुरु भाई बहना, तो बहन कहती है कि ए भैया आपको तिलक पर नहीं बैठना होगा, पहले हम बैठेंगे। तो सारा लोग हंसने लगे, कहते हैं कि बहन कैसे बैठ सकती है, हाँ हम बैठेंगे, भाई मेरा पीछे बैठेगा। तो बहन जो थी बहन चौका पर बैठ गई, चौका पर बैठ गई गुरु भाई बहना, और भाई को पीछे कर दिया। तो बहन का जो जोड़ा था तिलक का जोड़ा, और बेचारी जोड़ा पहनने लगी अपना भाई वाला, तो जोड़ा में कुछ अब शगुन हो गया, वहां पर जलने लगा, तिलक के समय मंडप जलने लगा, वहां पर आग लग गया, भाई बच गया, बेचारी बहन कैसे मर जाती, उसको पर तो काल था ही नहीं। लोग कहने लगे कि अरे ये क्या आप शगुन है। जब अग्नि संपन्न हो गया, बुझ गया, तो कहती है कि भैया आप अपना विधि करो। जब हल्दी लगने लगा तो बहन कहती है मुझे लगाओ पहले, कोई भी विधि में कहती है पहले मुझे लगाओ। जब मोर पहनने लगी तो मोर के समय गुरु भाई बना कहती है हम पहनेंगे पहले, मेरा भैया नहीं पहनेगा, पहले हम पहनेंगे। मोर जो था हवा में उड़ गया, क्योंकि काल मंडरा रहा था, भादों के महीना कभी शुभ नहीं हो सकता है ब्याह के। हवा में उड़ गया, कहती है बहन की भैया चलो तू दूसरा मोर पहनो, ओ मोर हवा में उड़ जाने दो, फूल का मोर पहनो। जब भाई बारात में जाने लगा तो जूता पहनने को लिए बहन कहती है कि भैया हम जूता पहनेंगे। जूता में देखती है कि एक नागिन बैठा हुआ है, जूता झाड़ के अपना पांव में लगा के भाई को दे दिया। सारा विध करते हुए सारा लोग हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। करते 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 ये बारात भी चली गई, साथ में भाई को चौका पर नहीं बैठने दी, भैया हम बैठेंगे। उसके बाद में उसको अपना भाई को बैठाई। दरवाजा पार होते समय भैया दरवाजा तुम नहीं पार हो, वो अपना ससुराल में हम पार होवेंगे, दरवाजा गिर गया। भोजन के समय भैया खाना तुम नहीं खाओ, पहले हम खाएंगे, भोजन में काटे था। सारी जो भी था घटना अपना बहन अपना पर ले ली। भाई का ब्याह हो गया। जब ब्याह हुआ तो ब्याह होकर और भाभी उसका घर आ गई। जब भाभी घर आ गई तो बेचारी मन ही मन सोचती है कि हे भगवान आज मेरा भाई का ब्याह संपन्न हो गया, लेकिन सारा विधि तो कर चुके हैं, सुहाग रात का दिन है, हो सकता है मेरे भाभी के साथ मेरे भैया के साथ कोई अन्याय हो जाए। भाई से कहती है कि भैया सुहाग रात तो तेरा है, सारा विधि हम किए हैं, तो क्या भाभी के साथ मुझे 2 घंटा सोने नहीं दोगे। भाई हंसकर बोला अरे सो ही लो, कोई दिक्कत नहीं, भाभी तुम्हारा है। माँ गुस्से में बोली सारा दिन ये झगड़े करते रहती है, कभी तो सोच लो कि मेरा भाई है, बार बार तुम्हें झगड़ा ही दिखता है,
ब्याह करके लाया ब्याहता पत्नी है, सुहागरात का दिन है, तुम कैसे सोएगी? हाँ माँ, भाभी के साथ ज्यादा नहीं 2 घंटा सोएंगे। बेचारी बहन सोने गई। जब सोने गई गुरु भाई बहना, तो बहन क्या सोएगी, उसका तो दिल में कुछ चल रहा था। उसका शरीर जला हुआ था कि मेरे भाई के साथ कोई अन्याय ना हो जाए। भाभी का उसका नींद पड़ गया और उसका भाभी के पेट फट के और एक बहुत बड़ा विषैला नागिन निकली। ए बेचारी सोई नहीं, पलंग के नीचे खड़ी हो गई और नागिन को 2 खंड कर दी। और 2 खंड करके एक डब्बे में बंद करके और वहां से निकल गई। अपने भाई को कहती है कि भैया अब जाकर तुम भाभी के साथ सो जाओ। भाई जो था अपने पत्नी के साथ सोने गया। अरे बेचारी बीच आंगन में बिना बिछावन के चुपचाप सो गई। सारा रिश्तेदार पड़े हुए थे। सवेरा होते ही सारा रिश्तेदार से उसके माँ कहती है कि आप लोग चले जाइए, पता नहीं जागेगी तो क्या नखड़ा करेगी, कोई पता नहीं, इसको नहीं जगाएंगे। सारे रिश्तेदार विदा हो गए। सूरज निकल के पूरा बास से ज्यादा भी चढ़ गया। आंगन में धूप आ गया, इसका नींद टूटा। सारी रिश्तेदार को बेचारी साहूकार की बेटी खोजने लगी। कहती है कि अरे कोई रिश्तेदार नहीं है माँ, सब कहाँ है? माँ बोली, बेटी तुम्हारा डर से हम सभी लोग को विदा कर दिए। तुम तो कई दिन से आई हो, जब से नखड़े ही करते जा रही थी। बेचारी साहूकार की बेटी आंखों से आंसू झरझराते हुए कहती है कि माँ, भाइया से हम लड़ाई नहीं करते थे माँ, वो तो प्यार था जो बच्चे से आपस में करते आए। भाई और बहन का वो बहुत बड़ा प्यार होता है। लेकिन माँ, तवा में के रोटी, कड़ाही में के पुआ और गोदी में के बालक और मटकी में के दूध, गोदी में के पूत और मटकी में के दूध, कड़ाही में के पुआ और तवा में के रोटी ससुराल छोड़ के आए हैं माँ, अपना भाई के जान बचाने के लिए, और तुम कहती हो कि झगड़ा करती है। अब हम कभी जीवन में कर्मा एकादशी व्रत नहीं छोड़ेंगे। भादवा मास शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पूरे दिन भूखे रहेंगे, निराहार रहेंगे और शाम के समय में कर्मा को डाढ़ लाएंगे, झाड़ लाएंगे, काशी लाएंगे, फूल लाएंगे, कर्मा को साईं के प्रतिमा बनाएंगे और उनका पूजा करेंगे और भजन गाएंगे और भजन गा के और पूजा पाठ करके सुबह सुबह उनको पानी में परवा कर देंगे। हर बहन अपने भाई के लिए कर्मा व्रत करेगी माँ, ये पारंपरिक व्रत है। ये जो व्रत है भाई के रक्षा के लिए बहन करेगी माँ। और कभी भी कोई भी जितना है भादवा मास में कोई ब्याह नहीं करेंगे। बेटा हो बेटी हो, किसी का ब्याह भादो मास में नहीं करेंगे। माँ तूने भादो मास में बेटा को ब्याह किया, मैंने भाई को हर पल हर खतरे से बचाया। यदि मैं नहीं रहता अपने भैया के साथ तो मेरा भैया आज जीवित नहीं रहता माँ। और तुम कहती हो कि झगड़ा करती है। मैं झगड़ा नहीं किया माँ, मैं तो अपने भैया को पल पल बचाया। माँ आंखों से आंसू गिराते हुए अपने बेटी को गले से लगाई और जो भी देना था अपने बेटी को दे लेकर डोली कहार से ससुरा तक भेजवा दी। बेचारी साहूकार की बेटी अपने ससुराल गई। सास कहती है, बहू तुम गई और इतना दिन में आई। सास से सारी बातें बताई। जब फिर से भादवा मास आया, शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन आया, तो अपना मैके आके
अपने भाई से लाल चुंदरी मंगवाई, 16 सिंगार मंगवाई, कर्मा के डाल मंगवाई, कर्मा गोसाई के प्रतिमा बनाई और अपना मायका में 81 व्रत की, कर्मा महाराज का पूजा की कर्मा गोसाई के। तो प्रेम से बोलिए कर्मा गोसाई की जय। गुरु भाई बना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो को सुन सके और देख सके। और कमेंट बॉक्स में जय कर्मा गोसाई, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। जय कर्मा गोसाई।